शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहला केस है दोस्तों वह है राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा 2020 का। यह बड़ा फेमस केस है दोस्तों। यह जो राम बाबू एवं सुनील अरोड़ा केस है, यह केस बात करता है, यह केस डिस्कस होता है किसके ऊपर दोस्तों? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, लंबे समय से पॉलिटिक्स ही एक ऐसा क्षेत्र बचा है जिसमें सभी प्रकार के व्यक्ति बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इवन अब तो स्थिति ये हो गई है कि जो भी बाहुबली हैं दोस्तों, जो माफिया हैं, इनकी संख्या राजनीति में लगातार बढ़ती जा रही है। जिनके ऊपर केसेस के अंबार लगे हुए हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो जाए फिर किसी अन्य डिस्प्यूट में दोस्तों इनके ऊपर केस चल रहे हों, ये दोस्तों अधिकतर चूज करते हैं पॉलिटिक्स। इसी सब को देखते हुए दोस्तों इस केस में यह जो जजमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो दोस्तों यह बात करता है केस क्रिमिनलाइजेशन को लेकर, जो कि पॉलिटिक्स में लगातार होती रही है। अब आपको मैं बता दूं कि इस केस के लिए जो बेंच तैयार थे दोस्तों, वह तीन प्रमुख इसमें जज शामिल थे। वह थे जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तीन जजों की यह बेंच थी इस केस में दोस्तों। और बात करें तो यह जो इसकी बैकग्राउंड की दोस्तों, जब 2004 में 2004 में जब हम बात करते हैं, देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स के दोस्तों, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनमें से टोटल मतलब टोटल नंबर में से 24% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दोस्तों होते हैं उनके खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हमको दिखाई देते हैं। ये बात है 2004। लेकिन 2004 से जैसे जैसे बढ़ते हम 2019 की तरफ आते हैं दोस्तों, तो इनकी संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लगभग लगभग दोगुना। पहले 2004 में 24% ऐसे व्यक्ति थे पार्लियामेंट में जिनके ऊपर पेंडिंग क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, लेकिन 2019 में 43%। आप समझ सकते हैं कि लगभग लगभग आधे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऐसे हैं जिनके खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और यह भारतीय राजनीति के लिए, इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, साथ में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों इसी के खिलाफ पिटीशन दायर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस जो कि मिलता जुलता है उसका हवाला देते हुए क्या कहा, वह केस का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस। अब बात यह कही गई कि यदि किसी कैंडिडेट पर पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है तो क्या उसे उस चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए डिस्क्वालिफाई कर देना चाहिए, या फिर यदि वो उस पद पर है तो क्या उसे उस पद से हटा देना चाहिए। यह सभी चीज़ें इस केस के द्वारा डिसाइड की गई थी। कहा क्या गया था इस केस में, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस में, यह कहा गया था कि किसी कैंडिडेट का जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा, अयोग्यता मानी जाएगी, वो इस आधार पर नहीं कि उसके खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस है। यह उसका बेसिस या फिर यह उसका आधार नहीं बनेगा। अच्छा, तब आधार क्या होगा? आधार होगा उसका कन्विक्शन। यदि वह व्यक्ति उस आरोप के लिए आरोपित हो जाता है, उसके ऊपर वह चार्ज साबित हो जाता है, इन दैट कंडीशन ही हम उसे क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालिफाई करते हैं। और इसी केस का एग्जाम्पल देते हुए, रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दलों को दर्शाना होगा। क्या दर्शाना होगा? कि जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कितनी पेंडिंग केसेस है, उनको यह पब्लिक के सामने उनको दर्शाना पड़ेगा। अब वो किसी माध्यम से, हर वो माध्यम अपनाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज जिनसे कि पब्लिक जान सके, चाहे वो अखबार हो, रेडियो हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हर वो सोशल प्लेटफॉर्म जिससे कि कॉमन मैन तक उसके बारे में जानकारी पहुंच पाए। इन सभी पार्टियों को अपने ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी पब्लिक को देनी होगी जिनके खिलाफ पेंडिंग केसेस हैं। पॉइंट नंबर ये उसने कहा। पॉइंट नंबर दो यह कहा दोस्तों कि यह भी बताना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को
कि आपने ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट ही क्यों किया जिनके खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है, उनके सिलेक्शन का आधार क्या है, आखिर उनकी मेरिट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है कि आपने ऐसे उम्मीदवार को चुना, ऐसे कैंडिडेट को चुना, यह भी आपको बताना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। साथ में दोस्तों यह भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि आपको जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऐसे कैंडिडेट यदि हैं तो जो इलेक्शन कमीशन है दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं निर्वाचन आयोग, तो इलेक्शन कमीशन को विद इन द 72 आवर्स मतलब 72 घंटे के अंदर अंदर ऐसे कैंडिडेट की सूचना को देना पड़ेगा जिनके खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने यह आधार बनाया था इसको आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 142 के अंतर्गत। दोस्तों मोटे मोटे तौर पर हम लोगों ने क्या समझा कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्रिमिनलाइजेशन को लेकर यह पूरी की पूरी कहानी गढ़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, आपके ऊपर पेंडिंग क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, आप चुनाव लड़ो, लेकिन यदि आप कन्विक्टेड हो गए हो किसी चीज़ में तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इस आधार पर नहीं कि आपके खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है, इस आधार पर कि आप उसके खिलाफ क्या हैं, आरोपित हो चुके हैं, आपका चार्ज साबित हो चुका है। साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए जो कि हमने आपके साथ शेयर किया।